बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंट्स के बीच का। ठीक है बच्चे, देखिए कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास 2, 3, दूसरा है 4, 1। हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को बच्चे P मान लेते हैं। P हमारे पास क्या है? 2, 3। और ये कोऑर्डिनेट होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको? ये x, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। तो x1 और y1, इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए ये x1 है, ये y1 है। तो यानी आप यहाँ बता सकते हो कि x1 इज इक्वल टू 2 और y1 कितना है हमारे पास? 3। अब हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो हमारे पास 4, 1 है। तो इसको भी हम x2, y2 इससे कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए x2 हमारे पास क्या है? 4 है। तो x2 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास वो क्या है? 1। ये 1 आ गया। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे फार्मूला है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इसमें। देखिए x2 कितना है हमारे पास? 4 - 2 इसका होल स्क्वायर। y2 है हमारे पास 1 - y1 है हमारे पास 3, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से 4 - 2 का होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 4, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी -, प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 = 8। देखिए 8 के फैक्टर्स बना लेंगे तो 2 × 4 = 8 और 4 के फैक्टर्स हम बनाते हैं तो 2 × 2। यहाँ पर 2 का पेयर आपको दिख रहा है, बन चुका है हमारे पास, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 2 के पेयर में से एक बार आ जाएगा 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5, 7 और दूसरा इसका है -1 और 3। तो हम इसे मान लेते हैं पी पॉइंट हमारे पास है बच्चे -5 और 7। तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं x1 y1 से। तो देखिए यहाँ पर x1 की क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 है -5 और y1 है हमारे पास 7। अब यहाँ पे हम q पॉइंट ले लेते हैं। q पॉइंट है हमारे पास -1, 3। इसको कंपैरिजन कर लेते हैं x2 y2। तो देखिए x2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1 और y2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, क्योंकि ये +3 है। तो देखिए बच्चे अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। तो पी क्यू इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखिए x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास -1 है, तो -1 और x1 क्या है? -5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 है हमारे पास 3 - y1 है हमारे पास 7 इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चे -1, -, प्लस हो जाएगा यहाँ पर और ये आ गया 5, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 - 7, तो -4 इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए -1 + 5, तो प्लस -, होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे बच्चे 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -, प्लस बन जाता है बच्चे। तो रूट दोनों को प्लस करते हैं तो √32, 6 + 6 = 12, कैरी 1, तो 3 आ जाएगा, 32 हो गया। अभी हम 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। हमारे पास 32 के फैक्टर्स बन गए। अब पेयर देखें किसका बनता है। हमारे पास 2 के दो पेयर बने हैं, तो एक ये बाहर आ गया,
इस पैर में से ये बाहर आ गया, और इसका तो पैर ही नहीं बना है तो ये रूट के अंदर, जिसका पैर नहीं बनता है वो एज इट इज़ रूट के अंदर रहेगा बच्चे। तो 2 2 जा 4 √2, ये हमारा आंसर है बच्चे इसमें। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास ए बी और दूसरा है माइनस ए माइनस बी। हम यहाँ पे मान लेते हैं P क्या है हमारे पास बच्चे A कॉमा B, इसको हम कंपैरिजन करते हैं तो X1 Y1 यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो X1 हमारे पास कितना हो जाएगा A, ये X1 A है, पहले का पहला बाद वाले का बाद में, तो Y1 कितना हो जाएगा हमारे पास, X1 हमारे पास A हो गया बच्चे और Y1 हमारे पास B हो गया है। अब देखिए Q पॉइंट्स क्या है हमारे पास, माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स टू वाई टू। यहाँ से देखिए एक्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ए और वाई टू हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, ये हमने सबके बता दिए। अब देखिए अगर इसका डिस्टेंस हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पी क्यू इज़ इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है बच्चे, x2 है हमारे पास माइनस ए माइनस x1 है हमारे पास वो भी a, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 है हमारे पास माइनस b, फिर माइनस y1 है हमारे पास वो भी b, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, तो यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2 और a उसका कॉफिशेंट है वेरिएबल है उसके साथ वो एज इट इज़ चलेगा, प्लस में माइनस का 1 और 1 2 भी हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम करते हैं माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर प्लस में यहाँ से भी 4 b स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 है तो 4 हमने जो कॉमन निकाला है तो उसके फैक्टर्स बना लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पैर में से एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2 और अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।